दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है और ईपीएफओ जो है बहुत बड़ा फायदा उठाने का मौका दे रहा है। आप सभी को करीब बता दें, लॉकडाउन के दौरान 15 दिनों में ईपीएफओ ने 940 करोड़ रुपए जो है बांट दिए हैं। इस पीएफ का और इस स्कीम का आप भी लाभ ले सकते हैं इस दौरान। पूरी खबर है इस वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि भविष्य का आने वाला हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईपीएफओ किस तरह का आपको ऑफर दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निपटाते हुए सब्सक्राइबर्स को करीब 946.49 करोड़ रुपए वापस किए हैं, जो अपने आप में प्रोविडेंट फंड में जमा था। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है कि कोरोना संकट के दौरान लोगों को किसी तरह की आर्थिक समस्या न आए, इसके लिए पीएफओ ने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के बीच काफी सक्रियता दिखाते हुए अपने सब्सक्राइबर्स में पिछले 15 दिन में करीब 946 करोड़ रुपए वितरित कर दिया है। असल में बात यह है कि ईपीएफओ ने खास प्रावधान करते हुए लॉकडाउन के बीच में लोगों को अपने पीएफ का एडवांस निकासी की इजाजत दे दी है। जी हाँ, कोरोना संकट के दौरान लोगों को किसी तरह की आर्थिक समस्या ना हो, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा प्रदान की है। इस निकाले गए रकम पर टैक्स भी नहीं कटता है। ईपीएफओ ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निपटाते हुए सब्सक्राइबर्स को 946.49 करोड़ रुपए वापस किए हैं, जो अपने आप में प्रोविडेंट फंड में जमा था। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बड़ी जानकारी दी गई है। यही नहीं, इसके अलावा उन पीएफ ट्रस्ट के द्वारा भी 284 करोड़ रुपए की पीएफ वितरण किया गया है, जिनको ईपीएफओ के इतर संचालित होने वाली छूट होती थी। यह ईपीएफ स्कीम के तहत संचालित होती थी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस संकट के दौरान ईपीएफओ अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीएफओ के सभी दफ्तरों से इस कठिन हालत में के बीच काम करते हुए जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि निकासी के पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है और इसे जरूरतमंद सब्सक्राइबर्स को लॉकडाउन में के बीच काफी बड़ी राहत मिल रही है। अब बात करेंगे कितनी निकाल सकते हैं आप रकम। तो अपने पीएफ खाते में मौजूदा बैलेंस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को हिस्से से 75% यानी जो कर्मचारी का है और जो नियोक्ता का है, इसका 75% तक या वेतन के 3 महीने के बराबर जो भी कम हो रकम निकाली जा सकती है। गौरतलब है कि पिछले महीने श्रम मंत्रालय ने ऐलान किया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कुछ खास प्रावधान करते हुए ईपीएफ ने सब्सक्राइबर्स को अपने पीएफ रकम का 75% या 3 महीने के कुल वेतन के बराबर जो भी कम होगा उस रकम को निकालने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए 28 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1992 में बदलाव किया गया था। इस रकम को एडवांस के तौर पर दिया जा रहा है और इसे कर्मचारी को फिर से जमा करने की जरूरत नहीं है। अब आप बात करेंगे किस तरह से आप पैसे निकाल सकते हैं, तो पीएफ से एडवांस रकम कैसे निकाली जा सकती है, इसका पूरा ब्यौरा इस खबर में मैं आपको दूंगा। इस निकासी के लिए रकम पे इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। और तो आपको करना क्या है कि अपने ऑनलाइन पोर्टल में जाना है, उसके बाद क्लेम के ऊपर जो है क्लेम का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लेम करना है। आपको बता दें कि इस क्लेम के बाद जो है प्रोसेस होगा और आपका जो भी आवेदन रहेगा वह बैंक खाते में 3 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। पूरी जानकारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सहूलियत भरा यह ऑप्शन दे रहा है पीएफ निकालने के लिए ईपीएफओ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रेयर मिलती हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है और ईपीएफओ जो है बहुत बड़ा फायदा उठाने का मौका दे रहा है आप सभी।